हेलो गाइस, catchout.com में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप लोगों ने भी कभी सोचा है कि पुलिस के कंधों पे जो भी बैजेस लगे होते हैं या फिर बिल्ला लगा होता है, उनका मतलब क्या होता है, उनसे उनकी पहचान कैसे होती है? आपने देखा होगा कई सारे छोटे पुलिस और जो भी बड़े लेवल पे पुलिस होते हैं, उनके जो बैजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आखिर में उन बैजेस का क्या मतलब होता है? वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको पुलिस के उन सभी बैजेस के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके बाद आप किसी भी पुलिस के कंधों पे बैजेस को देखने के बाद आसानी से पहचान जाओगे कि उसकी पोस्ट क्या है। तो चलिए ये एक एक करके जान लेते हैं इन बैजेस के बारे में डिटेल्स में। पुलिस फोर्स में जो सबसे पहला पोस्ट आता है, जो कि सबसे छोटा है, जिसका नाम है पुलिस कांस्टेबल। तो जितने भी पुलिस कांस्टेबल होते हैं, उनके कंधों पे किसी भी तरह का बैजेस या फिर बिल्ला नहीं लगा होता। इसके बाद इससे जो बड़ा पोस्ट है वो है पुलिस हेड कांस्टेबल। तो जितने भी पुलिस हेड कांस्टेबल होते हैं, उनके कंधों पे इनमें से एक बैज लगा रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट आता है, जो कि है सीनियर पुलिस कांस्टेबल। तो जितने भी सीनियर पुलिस कांस्टेबल होता है, उनके कंधों पे इन दोनों में से एक बैज लगा होता है। तो यहाँ पर आपको पुलिस हेड कांस्टेबल और सीनियर पुलिस कांस्टेबल में एक डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पुलिस हेड कांस्टेबल में आपको ऊपर की साइड दो एरो देखने को मिलता है, जबकि आपको सीनियर पुलिस कांस्टेबल में तीन एरो देखने को मिलता है। इसी के साथ आपको पुलिस हेड कांस्टेबल में यहाँ पर दो पीले कलर का रंग का कपड़ा दिखाई देता है, जबकि आपको सीनियर पुलिस कांस्टेबल में तीन कलर पीले कलर के कपड़े दिखाई देते हैं। तो ये डिफरेंस है पुलिस हेड कांस्टेबल और सीनियर पुलिस कांस्टेबल में। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट आता है, जिसका नाम है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। तो जितने भी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस होते हैं, उनके कंधों पे एक स्टार होता है, एक लाल कलर और एक नीले कलर का कपड़ा लगा होता है। तो इन्हें हम शॉर्ट में बेसिकली ASI भी कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट आता है वो है सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। तो जितने भी सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस होते हैं, उनके कंधों पे दो स्टार होता है, एक लाल कलर और एक नीले कलर का कपड़ा लगा होता है, जिन्हें हम शॉर्ट में SI भी कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट आता है वो है असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। तो जितने भी असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस होते हैं, उनके कंधों पे तीन स्टार होता है और एक रेड कलर का कपड़ा लगा होता है, तो इन्हें हम शॉर्ट में बेसिकली API भी कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट आता है वो है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, या फिर बेसिकली हम इन्हें इंस्पेक्टर भी कहते हैं। तो इनके कंधों पे बेसिकली तीन स्टार होता है और एक रेड कलर और एक नीले कलर का कपड़ा लगा होता है, जिन्हें हम शॉर्ट में INS भी कहते हैं। इन सभी पोस्ट से जो बड़ी पोस्ट होती है वो होती है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इनके कंधों पे बेसिकली तीन स्टार होते हैं और यहाँ पर आपको किसी भी रंग का कपड़ा देखने को नहीं मिलता, तो इन्हें हम शॉर्ट में बेसिकली DSP भी कहते हैं। तो इससे बड़ा जो पोस्ट होता है वो होता है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इनके कंधों पे बेसिकली एक अशोक चिन्ह लगा होता है, तो इन्हें हम शॉर्ट में एडिशनल SP भी कहते हैं। तो अभी तक फिलहाल जितने भी पोस्ट थे, उसमें सबसे बड़ा जो पोस्ट है वो है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसके कंधों पे अशोक चिन्ह लगा होता है। तो अभी तक आपने जितने भी बैजेस के बारे में जाना, वो सारे के सारे गैजेटेड और नॉन गैजेटेड पुलिस ऑफिसर थे। इसके बाद जो पोस्ट आते हैं वो सारे के सारे IPS ऑफिसर होते हैं। तो चलिए आइए IPS ऑफिसर के बैजेस के बारे में भी जान लेते हैं। तो IPS ऑफिसर में सबसे पहला पोस्ट आता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनके कंधों पे बेसिकली IPS लिखा होता है और साथ में एक स्टार होता है, यानी एक स्टार का मतलब होता है 1 year ऑफ सर्विस, यानी एक साल की सर्विस पे होते हैं। इसी के साथ अगर दो स्टार होते हैं तो इसका मतलब होता है कि इनकी जो सर्विस है वो दो साल की है, और अगर कंधे पे तीन स्टार है और साथ में IPS लगा होता है, तो इनकी जो सर्विस होती है वो होती है 3 साल की। तो इन सभी पोस्ट से बड़ा होता है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इनके कंधों पे लिखा होता है IPS और साथ में एक अशोक चिन्ह होता है, तो इन्हें हम शॉर्ट में एडिशनल SP भी कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट आता है IPS में वो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इनके कंधों पे एक अशोक चिन्ह, साथ में एक स्टार और एक IPS लगा होता है, तो इस तरह के हम ऑफिसर को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में SP भी कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट आता है IPS में वो है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इनके कंधों पे एक अशोक चिन्ह, दो स्टार, साथ में IPS लगा होता है, तो इन्हें हम बेसिकली शॉर्ट में SSP या फिर SP भी कहते हैं। इन सब पोस्ट के बाद जो नेक्स्ट पोस्ट आता है IPS में वो है डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इनके कंधों पे एक अशोक चिन्ह, तीन स्टार, साथ में IPS लगा होता है, जिन्हें हम शॉर्ट में DIG भी कहते हैं। तो इन सभी पोस्ट से DIG सबसे बड़ी पोस्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट आता है वो है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इनके कंधों पे एक स्टार होता है, साथ में दो तलवार होते हैं क्रॉस में, और साथ में IPS लगा होता है, तो इन्हें हम बेसिकली शॉर्ट में IGP भी कहते हैं। तो फिलहाल अभी जितने भी पोस्ट हैं, उन सभी पोस्ट में IGP सबसे बड़ी पोस्ट है। तो IGP से बड़ी पोस्ट जो होती है वो होती है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इनके कंधों पे एक अशोक चिन्ह, साथ में तलवार और साथ में IPS लिखा होता है, तो इन्हें हम शॉर्ट में ADGP भी कहते हैं।
इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट आता है वो आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इनके कंधों पे एक अशोक चिन्ह, तलवार, साथ में आईपीएस लिखा होता है, तो इन्हें हम शॉर्ट में डीजीपी कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट आता है जो कि सबसे बड़ी पोस्ट है, जिसका नाम है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इन ऑफिसर के कंधों पे लगा होता है एक अशोक चिन्ह, एक स्टार, तलवार, साथ में लिखा होता है आईपीएस, जिन्हें हम शॉर्ट में डीआईबी भी कहते हैं। तो ये थे पुलिस के बैजेस के बारे में पूरी जानकारी। आई होप अब आप किसी भी पुलिस वाले के कंधे पे बैजेस को देख के बता सकते हैं कि उसकी पोस्ट क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो इसे शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। और अगर आपको इस तरह की वीडियोज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पर जरूर दबाना ताकि आपको नए वीडियोज की जानकारी सबसे पहले मिल सके, और ये बिल्कुल फ्री है। तो मिलता हूँ मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।